आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर कैसे आ सकता है, क्योंकि देखिए जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं ज़्यादातर का ये सीन है कि जब आप अपने ऑफिस में अपनी फैक्ट्री में रहते हैं तभी आपका बिजनेस चलता है। अगर आप दो दिन के लिए भी अपने बिजनेस में ना रहें तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपका बिजनेस पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आप ही संभाल रहे हो। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके साथ है, आपको लगता है कि मैं अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, बंद चुका हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है ताकि आपका बिजनेस भी ऑटो पायलट मोड पर आ सके, आप अपने बिजनेस से फ्री हो सके। अगर आप दो तीन महीने के लिए भी कहीं चले जाएं तो पीछे से आपका बिजनेस अपने आप चलता रहे और ग्रो करता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिए, सबसे पहले तो ऑटो पायलट का मतलब समझिए। बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लाने का मतलब है कि अगर आप अपने बिजनेस में नहीं भी हैं, आप कहीं घूमने गए हैं, तब भी आपका बिजनेस अपने आप चल रहा है। आपने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया जिसके तहत आपकी कंपनी अपने आप चल रही है, अपने आप ग्रो कर रही है, उसमें चाहे आप रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये होगा कैसे? देखिए, ऑटो पायलट मोड पर कोई भी बिजनेस आ सकता है, चाहे आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, कोई आईटी कंपनी है या आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, हर बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर लाया जा सकता है। अब लाया कैसे जाएगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी कंपनी के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उन सब की लिस्ट बनाओ, चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर तरह के काम की आप लिस्ट बनाओ कि आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में हो क्या रहा है। उसके बाद उन्हें आप दो कैटेगरी में डिवाइड करो। देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो रिपीटेबल होते हैं, जो बार बार होते हैं, उनमें कोई दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, वो सेम काम जो है रोज करने होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो होंगे तो रोज, लेकिन उनमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो डिसीजन कोई बहुत बड़े डिसीजन नहीं है, वो छोटे मोटे डिसीजन है जो कोई और भी ले सकता है। अगर हम किसी को एक बार काम का समझा दें तो वो भी जो है सही डिसीजन ले सकता है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको बड़े डिसीजन लेने होते हैं, तो आप क्या करो कि जितने भी काम आपके बिजनेस में हो रहे हैं उन सब की लिस्ट बनाओ और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करो। अब देखिए, जब आप सारे कामों की लिस्ट बना लेंगे, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन से टास्क हैं जो रोज होने, जो कोई और भी कर सकता है, और वो कौन से टास्क हैं जो कोई और नहीं कर सकता, और ये रोज नहीं होते, ये साल में एक दो बार ही होंगे और ये काम मुझे ही करना होगा। तो आप क्या करिए, इनकी कैटेगरी डिवाइड करिए। अब देखिए, आपने ये सारे टास्क आइडेंटिफाई कर लिए जो हम किसी और से करवा सकते हैं, प्रोडक्शन के, सेल्स के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के, हर डिपार्टमेंट के आपने टास्क आइडेंटिफाई कर लिए जो आप किसी और से करवा सकते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसी और को दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके आगे एक चीज़ ऐड करनी है। जो भी टास्क आपने आइडेंटिफाई करें, अब उसके आगे आपको क्लियर डिफाइन करना है कि उस काम को कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया कि क्या क्या काम हो रहा है, लेकिन उस काम को किया कैसे जाएगा, अब आपको ये डिफाइन करना है। ये आप क्या कर रहे हैं, आप ये एक प्रोसेस बना रहे हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, वो फिर आपसे आकर ना पूछे कि भाई इस काम को कैसे करें। आपने पहले से ही एक क्लियर डिफाइन कर दिया कि भाई इस काम को इस तरह से किया जाना है। अब देखिए, हर डिपार्टमेंट में जो भी टास्क होते हैं जो आप किसी और से करवा सकते हैं, वो सब आपने आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन देखिए कुछ टास्क ऐसे होंगे जो रिपीटेबल हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टास्क ऐसे होंगे जो थोड़े बड़े होंगे, जिनमें आपको डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा उसके लिए नॉलेजेबल आदमी होना ज़रूरी है। तो आपने क्या करा, अब जो अगला काम आपका है वो है पीपल, लोगों को अपॉइंट करना कि भाई कौन सा काम कौन करेगा। अब देखिए, कुछ टास्क ऐसे होंगे जो कि छोटे मोटे टास्क होंगे, जिनके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी एग्जीक्यूटिव को भी जो है अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ टास्क ऐसे होंगे जहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होगी, थोड़ी नॉलेजेबल आदमी होना ज़रूरी होगा, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कोई मैनेजर लेवल के लोगों को हायर करना है। ठीक है, तो जैसे आपने क्या करा, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है,
तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है वो आपने ट्रांसफर कर दिया एक मैनेजर लेवल के आदमी को, और जो छोटे मोटे टास्क है वो आ गए उसके नीचे एग्जीक्यूटिव के पास। अब देखिए इससे क्या है कि आपने जो ये 99% जो आपका काम होता है बिजनेस में वो इसी तरह का होता है जो आप दूसरों से करवा सकते हैं। अब देखिए आपके सर से कितना बड़ा बोझ हटेगा अगर आप थोड़ा सा ये इस तरह से काम को ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए अब आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा डिसीजन मेकिंग का। जैसे मान लो कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अब वहाँ का जो हेड है या जो मैनेजर है वो आपसे आके कह रहा है कि भैया मार्केट में अभी जो ना इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो इस बार हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हमें इस तरह का बनाना चाहिए। तो आपको बस डिसीजन लेना है कि इस तरह का बनाना है या नहीं, बस। अब आपका काम रहेगा सिर्फ डिसीजन मेकिंग का, और आपका काम है जो आपने गोल डिसाइड किया है, जो आपने टारगेट सेट किया है उसके बारे में जो अपने अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड है, जो मैनेजर है, उनके साथ मीटिंग करना, उन्हें बताना कि भैया हमें क्या अचीव करना है, हमें कहाँ पहुँचना है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है। अब इसे अचीव कैसे करना है, इन सब की प्लानिंग आप करो। हर डिपार्टमेंट का आदमी अपने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चीज़ की प्लानिंग करेगा। अब देखिए यहाँ तक आपको एक चीज़ समझ में आई कि अब आपका जो रोल है वो है सबसे टॉप पे, ठीक है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग में, सिर्फ सोचने समझने में, प्लानिंग करने में, और जो नीचे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अपना सारा काम कर रहे हैं। अब अगर आप अपनी जगह पर भी एक ऐसा आदमी हायर कर देते हैं जिन्हें हम CEO कहते हैं, जो आपका काम करें, जिस तरह से आप डिसीजन मेकिंग का काम कर रहे हैं तो वो काम कोई और करे, वो सोचे कि भाई इस कंपनी को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, हर मैनेजर से, हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले, उनको बताए, मीटिंग करें, सारी चीज़ें मतलब सोच समझ कर जो है आपके बिजनेस को चलाए। तो अगर ये चीज़ आप कर देते हैं, अगर एक ऐसा आदमी अपनी जगह अपॉइंट कर देते हैं जो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, तो फिर क्या हुआ, अब आप अपने बिजनेस से पूरी तरह से फ्री हो गए। अब कह के देखिए आप अपने बिजनेस से फ्री तो हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस से अलग हो गए, लेकिन आपने क्या करा, अपना एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब जो आदमी आपने अपॉइंट करा है CEO, वो क्या कर रहा है, वो हर डिपार्टमेंट पे नज़र रख रहा है, वो हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ले रहा है, वो सारी चीज़ें बता रहा है कि भैया हमें क्या करना है, हमारा क्या टारगेट है, क्या गोल है, सारा कुछ वो संभाल रहा है कि बिजनेस को चलाना कैसे है, बिजनेस को बढ़ाना कैसे है। अब यहाँ से क्या है, आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। तो इस तरह से अगर आप एक पूरा सिस्टम तैयार कर देते हैं अपने बिजनेस में, हर चीज़ का आपने प्रोसेस बना दिया, SOP बना दिए, कौन सा काम किस तरह से होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, और उन सब को भी जो है संभालने के लिए एक आदमी हायर कर दिया, तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पर ला सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि अगर आप जैसे फ्री हो गए इस बिजनेस से, अब आपको क्या है, अपनी लाइफ इंजॉय करनी है, या आप किसी और तरह का दूसरा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी और तरह की कैटेगरी में घुसना चाहते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि एक तो कैटेगरी होती है संदीप महेश्वरी वाली कि भाई हमारा एक बिजनेस चल रहा है बढ़िया से, हम खुश हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और एक कैटेगरी होती है मुकेश अंबानी वाली कि हमारा एक बिजनेस बिल्कुल सेट हो गया, अब दूसरे तरह का शुरू करो, वो सेट हो गया, तीसरे तरह का शुरू करो, मतलब अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करते रहना। तो इस तरह से क्या है कि आप अपने बिजनेस के अंदर एक सिस्टम तैयार करिए। जब सिस्टम से काम होगा तो अब देखिए आप चाहे 2-3 महीने के लिए घूमने चले जाओ, जिस आदमी को आपने अपॉइंट कराया उस बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, सारा काम वो संभाल ही रहा है, तो उसमें फिर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे आपको अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एम्प्लॉय तो रहते हैं 11 से 6 बजे तक, लेकिन आप रहते हैं अपने फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में सुबह 9 बजे से रात की 9 बजे तक, तो उनसे ज़्यादा तो आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप भी एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस में इस तरह से एक सिस्टम तैयार करना है, हर चीज़ की लिस्ट बनाइए, आइडेंटिफाई करिए, जो भी काम दूसरों से करवाए जा सकते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को दीजिए, जो काम ज़रूरी हैं, बड़े हैं, जिनमें बड़ा डिसीजन लेना होता है, वो काम अपने पास रखिए, और जब आप उसके लिए भी किसी और को हायर कर देंगे तो फिर आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे, और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।